राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैंड परिसर में पिछले 8 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। यहां मौजूद कर्मचारी नेताओं ने बताया कि रोडवेज प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। यहां जूनियर परिचालकों को कार्यालय में लगाया जाता है और वरिष्ठ परिचालकों को रूट पर भेज दिया जाता है। ऐसी अनेकों मांगों के चलते धरना दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि इस संबंध में पहले भी अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए धरना दिया जा रहा है और जब तक सुनवाई नहीं होगी धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तारीख से हैं जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे, 3 जूनियर परिचालक कंडक्टर है, उनको जो यहाँ कार्यालय एवं CBS पर लगा रखा है, उनसे वरिष्ठ परिचालक है जो मार्ग पर चल रहे हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसे ही 3 ड्राइवर जो मेडिकल अनफिट नहीं होने के कारण भी उनको कार्यशाला में कार्य लिया जा रहा है, और जो मेडिकल अनफिट चालक है वो मार्ग पर चल रहे हैं। इसी तरह परिचालकों से जो फ्लाइंग का कार्य लिया जा रहा है, जबकि मुख्यालय के आदेश हैं कि किसी भी परिचालक से फ्लाइंग में कार्य न लिया जाए, तो मुख्य प्रबंधक एवं प्रबंधक या संचालन अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। मोहनलाल सोनी। कितने दिन से बैठे हैं आप? हम 28 तारीख से बैठे हुए हैं। रात तक बैठे रहते हो? नहीं, हमारा टाइम है जो 10 से 5 बजे तक का है, 5 बजे के बाद हम धरने को। अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है।